प्रश्न और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम जलपुरा जिला अलवर के कृषक विनय कुमार ने। ये पावर टिलर यंत्र की कार्यविधि और उपयोगिता के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो विनय कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। जैसा कि अभी मशीन खेती में भी मशीनीकरण का दौर चल रहा है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे जो किसान हैं वो लघु वर्ग के और मध्यम वर्ग के किसान हैं, ऐसे में उन्हें जो है वो भारी मशीन की जो भारी कीमत है उनके बारे में उन्हें थोड़ा सा नुकसान होता है। वो तो इस अवस्था में वो जो है एक जो सबसे उपयोगी उनके लिए मशीन है जो कम दाम में उनके लिए उपलब्ध है बाजार में वो है पावर टिलर मशीन के 8 HP से जो ऊपर ट्रैक्टर है ये उनके लिए है। हालांकि ये आपके ट्रैक्टर ये जो आपके पावर टिलर होते हैं भी कई कई बहुत सारे HP में आते हैं, जैसे कि आपका 8.5 HP से लेके ये 15 HP तक है, लेकिन किसान भाई जो है वो ज्यादातर आपका 13 से 15 HP के पावर टिलर इस्तेमाल करते हैं। आधुनिक भारत में खेती करना सबके बस की बात नहीं रह गई है। बढ़ते तेल की कीमतों और खेतों की महंगी जुताई सिंचाई में अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं। हालांकि उन किसानों को अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। पावर टिलर किसानों के काम को बेहद हद तक आसान बना देता है। एवं इस मशीन की कुछ और जो महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये मशीन जो है साइज में काफी छोटा होता है, तो इस मशीन को किसान जो है अपने जिनके खेत छोटे हैं तो वो अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं, तथा इसका वजन भी कम होता है तो महिलाएं भी इस मशीन को अपने खेत में बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकती हैं। जी, इस मशीन को खेत में चलाते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। जैसे कि अगर आप ये चला रहे हो तो इसमें आपको सिर्फ एक इंसान की ही ज़रूरत है मशीन को चलाने में, लेकिन जब आप खेत में जुताई कर रहे हैं तो इसके जो स्पीड पे ध्यान दें, इसके स्पीड आपको लगभग खेत में 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से होनी चाहिए जुताई के लिए। ये मशीन के और भी है कि जो प्लेन एरिया में तथा जो थोड़ा हिली एरिया है वहाँ पे भी इस मशीन का आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। मशीन को चलाने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि अगर आपके खेत में कंकड़ पत्थर हो कोई बहुत, तो उस समय आप आप उनको पहले हटा लें अपने हाथों से, उसके बाद इस मशीन को चलाएं। जैसे इस मशीन की और जो एक विशेषता है कि आप जिन खेतों में बागवानी फसलें लगे हैं आम के, वहाँ पे आपके ट्रैक्टर अगर नहीं जा पा रहे हैं तो आप पावर टिलर के द्वारा आप उस खेत में जुताई कर सकते हैं। पावर टिलर भी एक बहुकारी कृषि यंत्र है। ये छोटे एवं मध्यम आकार के खेत वाले किसानों के लिए उपयुक्त है। पहाड़ी और ढालू जमीन में एवं छोटे आकार के खेत के लिए ये कृषि यंत्र काफी उपयोगी है। ये 6 इंच की गहराई में रोटावेटर की तरह मिट्टी की जुताई और महीनीकरण एक साथ करता है। इससे खेत की पहली जुताई से लेकर खरपतवार उन्मूलन, सिंचाई, कटाई, मड़ाई, सफाई और ढुलाई तक का काम आसानी से किया जा सकता है। पावर टिलर बेहद हल्का होता है, इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है या फिर लाया जा सकता है। साथ ही ये किसी भी प्रकार के खेतों को तैयार करने में माहिर है। इससे जुताई, बीज बुआई, पौध प्रतिरोपण, दवा छिड़काव तथा खाद्य प्रसंस्करण यंत्र जैसे क्लीनर, कम ग्रेडर, तेल, आटा, चावल एवं दाल मिल और गन्ना पेड़ाई यंत्रों को इससे जोड़कर आसानी से चलाया जा सकता है। आपके इसमें जैसे अगर आप इस मशीन का इस्तेमाल कर लिए हो तो आपको इसके रखरखाव में इसके जो ब्लेड्स हैं वहाँ पे अगर जो भी खर फंस जाए तो उनको साफ कर लें, एवं जो प्लेट्स उसके बाद आप इसको मशीन को धो के उसके बाद इसमें ऑयलिंग ग्रीसिंग कर लें। इसके जो फ्यूल टैंक है उसको हमेशा बराबर चेक करते रहें, और इसमें ऑयलिंग ग्रीस जिस जो पार्ट्स आपके मिट्टी में जाते हैं, जो इसके ब्लेड्स होते हैं जैसे कि ये देख सकते हैं, तो इस पार्ट्स को जो है आपको ऑफ सीजन में इसमें आपको ऑयलिंग ग्रीसिंग करके रखनी है, तथा जो पार्ट्स में आपके जो बाहर होते हैं जो मिट्टी में नहीं जाते हैं उनको आप पेंट करके रख सकते हैं। ध्यान रखें कभी भी आपके इसके किसी भी पार्ट में मिट्टी नहीं लगाना चाहिए, जहाँ भी आपके किस पार्ट इसके मशीन के पार्ट में मिट्टी लगे होंगे वहाँ पे आपका जंग लगने की समस्या आएंगी। पावर टिलर डीजल और पेट्रोल दोनों से चला सकते हैं। ये दाम में भी कम है जिसे छोटे किसान भी खरीद सकते हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि में यंत्रीकरण का बेहद ही महत्वपूर्ण योगदान है। यंत्रीकरण से उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ती है।
यंत्रीकरण से कम समय में अधिक कार्य कुशलता के साथ किए जा सकते हैं। इस यंत्र पर मिलने वाले शासकीय अनुदान के लिए किसान अपने नजदीकी कृषि विभाग या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद इस मशीन की जो सबसे ये इस मशीन के बारे में थोड़ा और मैं बता दूं कि इस मशीन की जो कीमत होती है वो लगभग बाजार में आपको 1.5 लाख से 2.5 लाख 3 लाख के लगभग आती है। इस मशीन के लिए कुछ गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी भी दे रही है किसानों को। तो किसान, ये दो तरीके की सब्सिडी है, एक तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है किसानों को जो कि स्मैम सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के द्वारा, और एक बिहार गवर्नमेंट जो है वो आपको सब्सिडी दे रही है। बिहार गवर्नमेंट के लिए जो सब्सिडी दे रही है वो आपका सामान्य वर्ग के लिए मैक्सिमम 40% सब्सिडी है, और जो आपकी जो SC ST कैटेगरी है उनके लिए सब्सिडी मैक्सिमम 50% है। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्पप्रत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889613 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात